हम बहुत देर से भटक रहे हैं। तो सच बोल रही हूँ मैं, बहुत देर से भटक नहीं रही हो। तुम तो सो रही हो बहुत देर से। तो नहीं, मैं सो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में रिवील कर दूंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इससे पहले हम फटाफट से अपना नाश्ता खत्म कर लेते हैं, ठीक है? नाश्ते में दिखाती हूँ मैं आपको क्या है आज। तो आज है ब्रेकफास्ट में टी एंड ब्रेड, तो फटाफट से इसे खा लेते हैं। तो गाइज, नाश्ता हो गया है, अब फटाफट से हम घर का काम खत्म करेंगे। घर का काम खत्म करने के बाद उसके बाद फिर हम नहावा लेते हैं एंड देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, नहाना कम्प्लीट हो गया है। यहाँ मम्मा कर रही हैं प्रेस और इतने सारे कपड़े पड़े हैं और इतने सारे भी सूख रहे हैं छत पर भी, क्योंकि सूख रहे हैं छत पे भी। मेरी टंग इतनी स्लिप होती है ना बोलते टाइम, क्योंकि आज भी मशीन लगी थी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं मम्मा? बिल्कुल सही बोला है। तो हम खाटू श्याम जा रहे हैं, तो हम रात में निकलेंगे नाइट में। तो बस मम्मा प्रेस कर रही हैं, तो मुझे दो तीन मतलब वही जो हम खाएंगे लंच में परांठे परांठे वो बनाऊंगी एंड इसके बाद फिर हम पैकिंग करेंगे। तो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो क्योंकि लंच टाइम है तो यहाँ मैंने दही ले ली और दही में जीरा फेंक के मारूंगी हम पहले सबसे पहले। और यहाँ पे हमने खाना ले लिया है, तो चलो मम्मा को फटाफट से देकर आते हैं। पनीर की भुर्जी है, दही एंड पराठा। तो गाइज, आप इस टाइम घर की हालत देख सकते हो, लाइक कहीं आपको जाना होता है तो आपका घर भी ऐसी फैल जाता है क्या? और मैं यहाँ पे लगी पड़ी हूँ पसीनों में लथपथ। मम्मा कोई टुकड़ी नहीं करना चाहती इस बारे में, फटाफट और बस तय करने में लगी पड़ी, कपड़े ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर चल रहा है मेन मुद्दा कार्यक्रम या मशीन पे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि सिलाई का काम खत्म हो जाए, कभी भी नहीं। मतलब मेरे साथ तो कभी भी नहीं होता, मतलब कहीं भी मुझे जाना होता है ना तो मुझे मशीन में बैठना ही बैठना होता है, तो ये फिक्स है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। तो गाइज, हमारे अंत के तंत के काम के रिकॉर्ड कुछ ऐसे हैं कि देखो आईब्रो बन भाई जा रही है। तो गाइज, आई एम बैक बहुत लंबे टाइम बाद। तो सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट घर सेट है, ठीक है? हमने बैग पैक पैक कर लिए अब, ठीक है? अब देख सकते हो, ऐसे मत देखो, सिर्फ इसे देखो, बैग में हमने सामान रख लिया है एंड अब सिर्फ बचती है आईब्रोज वगैरह, वो हमारी हो नहीं पाई और हम कहीं गए भी नहीं। तो सबसे पहले मम्मा की सेट करूंगी, उसके बाद फिर मैं अपर लिप्स वगैरह करने हैं मुझे, तो मैं अपनी करूंगी, यू नो, अंत के तंत करूंगी। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर सब आ जाएंगे और फिर सब आ जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो मैं आपसे फिर बात करती हूँ। मैं तो तुम्हारी हफ्ते तपड़े दिखा रही हूँ, मैं तो बना चुकी हूँ, मैं सुबह से बना रही हूँ। रास्ता फाइनली गाइज, हम घर से निकल चुके हैं और यहाँ पर हम रुके थे डीजल डलवाने के लिए, बट यहाँ पे अभी पता नहीं जगह नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ साइड में मासी बैठी हुई है, साइड में मम्मा बैठी हुई है, तुमसे कौन करवा रहे हैं? तुमसे कोई करवा रहे हैं क्या? तो अभी हम जा रहे हैं आगे, अगर कहीं रुकते हैं अब हम यहाँ पहुँच गए हैं डिनर करने के लिए। बस तो हम घर से भी खा खू कर आए थे और इस गाड़ी पे आज हम आए हैं यहाँ पर। वैसे तो हम ठूस ठास के घर से भी आए थे, बट यू नो भूख कभी भी लग सकती है आपको एंड आप चले गए और करना, यू नो, सटकना पड़ता है। और ये इसका कुछ ऐसा व्यू है, सारी जनता आगे भर के जा रही है जल्दी जल्दी। सो गाइस, मैं और खुशी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? सब वॉशरूम गए, सबको वॉशरूम जाना था, सब भग भग के वॉशरूम पहुँच गए। तो मुझसे कह रही चले, मैंने कहा अभी नहीं, हम बाद में जाएंगे, अंत में जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ग्लास लगा दिया लाइन से कम। और ये मम्मा का आज न्यू अवतार, न्यू लुक।
और गाइस यहां खाना आ चुका है और मम्मा करी है स्टोर फटाफट से। तो यहाँ जनता कुल्फी के लिए आ गई है और यहाँ सब खत्म हो चुका है। नहीं मिला मम्मा आपको कुछ? यहाँ कुछ नहीं मिला गाइस, पेट पूजा हो चुकी है और हम दोनों सास बहू पीछे बैठे गए क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा आराम है, सुकून है। सुमन के पास है यहाँ पर नीचे बच्चों को दी थी छतरी वाली हेलमेट। तो गाइस रात के 3 बज रहे हैं और आप रोड्स को देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। नहीं, इतनी चहल पहल थी रोड पे और ऑलमोस्ट सारी ही दुकानें खुली हुई थी। और जब हम रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें रास्ते पे बहुत सारे लोग मिले जो झंडे लेके बाबा के दरबार में जा रहे थे। तो मतलब ये लोग रात में चल रहे थे, इट मीन्स इन्हें सुबह दर्शन करने थे बाबा के, हम लोग भी रात में चल रहे थे। हमें और हम इसलिए इतना आगे बढ़े जा रहे थे क्योंकि हमें ना रूम नहीं मिल पा रहा था, पीछे कहीं पे भी रूम अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम बहुत आगे तक पहुंच गए थे, मतलब मंदिर के काफ़ी पास ही आ गए थे रूम ढूंढते, बट हमें कहीं रूम ही नहीं मिल के दे रहा। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं एंड हमें यहाँ पे कहीं रूम नहीं मिल पा रहा है तो हम बहुत देर से भटक रहे हैं। तो सच बोल रही हूँ मैं, बहुत देर से भटक नहीं रही हो? तुम तो सो रही हो बहुत देर से भटक तो नहीं, मैं सो गई थी, मेरे को नींद आ जाती है रास्ते में, आती है, मैं क्या करूँ, हम सब सो गए, ये एक दो प्राणी है जो जग रहे हैं, बाकी तो सो रही है थोड़ी थोड़ी देर। हमें तो आती है ड्रामे में नींद, ड्रामे में। अच्छा, मैंने कहा ड्रामे में। So, अभी अभी हमें बस रूम मिल जाए कैसे ही। सो गाइस फाइनली हमें रूम मिल गया है। तो बाहर से तो इस बिल्डिंग की हालत है तो काफ़ी बड़ी, बट बाहर से थोड़ी हालत इसकी ऐसी लग रही है, अंदर जाके देखते हैं कि मतलब रूम कैसा है कैसा नहीं है। तो वन बाय वन सब लोग अंदर जा रहे थे, यहाँ मम्मा अंदर एंटर कर रही हैं और मम्मा गेट पे यहाँ पर खड़ी हो गई, अंदर ही नहीं जा रही है। मम्मा चलो अंदर, तो गेट से यहाँ पर चेकिंग स्टार्ट हो गई है मम्मा की और मम्मा अंदर नहीं जा रही, एंड सामने से यहाँ पर पापा जी आ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके अंदर स्टेयर से ऊपर पहुँचे जहाँ पे हमारा रूम था। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हमें रूम मिल गया है। और हमने एक ही रूम लिया है, बड़ा रूम लिया है जिसमें हम पूरे कितने में, हम कितने लोग हैं, 7 ना है, हम 8, हम 8 लोग हैं। लेट्स सी कि रूम कैसा है। वाओ, ये रूम सी, एक रूम ये है, एक रूम ये है, कुछ जलन सी हो रही है आंखों में, है ना, इधर हाँ ये ना एक ना। गाइस फाइनली अब रेस्ट मोड पर हम आने का टाइम हो गया है क्योंकि इतनी देर बाद रूम मिला, एक बहुत टाइम बाद, बट फाइनली मिल गया और ये अच्छा है। सिर्फ 2,000 रुपीज़ में मिला है जिसमें हमें डबल बेड मिले, 4 बेड्स मिले हैं सिंगल, एंड सिर्फ 2,000 रुपीज़ में। तो आप भी आना चाहते हो तो बता सकते हैं आप, एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ।